जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग फिर जो है ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। ठीक है, उसमें मैं कुछ डिस्कशन कर चुका था जो कि स्टार्टिंग बेसिस का भी है और उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने बताया था भारत की स्थिति के बारे में कि ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है। ठीक है, जैसे कि देखो ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब में भारत स्थित कहाँ है? तो सबको पता है कि ग्लोब की दो ध्रुव होती है। एक जो होता है क्या होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, सबको पता है। ठीक, और इस ग्लोब के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा खींची गई जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? इस भूमध्य रेखा के ऊपर होती है एक दूसरी रेखा जिसको कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो कि 23.5 अंश पे होती है। ठीक, और एक दूसरी रेखा इसी ग्लोब में होती है जिसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ये भी 23.5 अंश पे होती है। कितने पे होती है? 23.5 अंश पे। हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा से होकर गुजरता है। कहाँ से? कर्क रेखा से होकर के जो है भारत हमारा है, और वो कर्क रेखा के यहाँ से, कर्क रेखा हमारे भारत की यहाँ से गुजरती है, ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ऐसे गुजरती है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है हमारे भारत से, ऐसे गुजरती है कर्क रेखा। समझ में आ गया? तो हमारा भारत यही छोटा सा है, यहीं पे। मैं एक आपको फिगर के माध्यम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोटा सा मेरा भारत है, और इसको जूम करके यहाँ दिखा गया, कर्क रेखा यही है भाई। बात समझ में आ गई? कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मैं आगे आपको भी बताऊँगा सारी चीज़ें। ठीक ना, ये 0 अंश होता है। और देखो एक बात समझो, हमारे हमारे जो भारत में देख सकते हो कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। समझ में आ गया? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लास्ट पॉइंट है, ये कितना, 6 अंश 45 मिनट। ये लास्ट पॉइंट से ये जो भूमध्य रेखा की दूरी है, ये जो नीचे भूमध्य रेखा आएगी ना, उस भूमध्य रेखा की जो दूरी है 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876। तो कहता है कि हमारे भारत के अंतिम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर दूर है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात हो गई। अब बात करते हैं कि भारत की, देखो ये आपका अक्षांश रेखाएं हैं। इस कर्क रेखा को कौन सा रेखा कहोगे? अक्षांश रेखा कहोगे। ठीक है, ये भी अक्षांश है, भी जो रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं वो सब अक्षांश रेखा हैं, और जो रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं वो सब कौन सी रेखाएं हैं बाबू? देशांतर रेखा है। बात समझ में आ गई? जो रेखाएं ऐसे सीधे सीधे खींची जाएगी वो सब कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। और जो ऐसे ऐसे खींची जाएगी उसको देशांतर रेखा। पूछता है ग्लोब में कितनी देशांतर रेखा पाई जाती है। पूछता है क्वेश्चन, ग्लोब में कितनी देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं? तो अगर यहाँ पे फोटो मैं खींचूं तो एक ऐसा कुछ दृश्य मिलेगा, और ये पॉइंट है, और ऐसे करके जो है देशांतर रेखाओं के चिन्ह देखने को मिलेंगी। तो आप बताओ कि एक पॉइंट पे कितनी संख्याएं खींच, कितनी अंश होती हैं? तो एक पॉइंट पे 360 होती हैं। कितनी होती हैं? 360। देशांतरों की संख्या कितनी हो गई बाबू? 360। और बीचों बीच ऐसे काटो यहाँ पे, और काट करके इसको फैलाओगे, तो जब फैलाओगे तो देखो कि बीच जो बीच में क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो बीच में आ जाएगा, और यहाँ से काटोगे 180 इधर, 180 इधर, तो इधर और इधर चला गया, जीरो हो गया, यहाँ पर आ जाता है 180 अंश, और यहाँ पर भी 180 अंश आ जाता है। समझ में आ गया? जीरो से इधर जाओगे 180, जीरो से इधर जाओगे 180। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये है देशांतरों की संख्या। देशांतरों की संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई। समझ में आ गया? अब कहता है अक्षांशों की संख्या बताओ। तो अक्षांशों की संख्या बाबू जो होती है वो 180 होती है। कितनी होती है? 180। देखो कैसे, अगर ये 0 डिग्री है और इससे अगर एक एक अंश करके ऊपर छोड़ोगे ना, यहाँ तक पहुँचोगे, तो 90 अंश का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो 90 इधर और 90 इधर, तो बताओ देशांतरों की संख्या कितनी हुई? 90 90 180। बताओ बात सबको समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है किसी को?
कहीं कहीं किताब में 181 देता है, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है ये भी तो एक देशांतर रेखा है, तो 181 भी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो 181 देखो, इसको लेके काउंट करोगे 181, ऊपर तक जाओगे तो 180। समझ में आ गया बात? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात फंसती है कि कितने देशांतर और कितने अक्षांश पे अपना भारत स्थित है। तो देखो, ये जो अगर इसकी बात करोगे, इसकी और इसकी बात करोगे, तो नीचे जो है हमारा भारत इस पॉइंट पे 8:04 पर स्थित है। कहाँ पर? 8:04 पर स्थित है। ऊपर की अगर बात करते हो तो 37:06 पर स्थित है। 8:04, 37:06। और अगर यहाँ पर पूर्वी देशांतर की अगर बात करते हो तो पूर्वी देशांतर की तरफ यहाँ पर जो है वो हो रहा है 97:25। और पूर्वी देशांतर की जब बात करोगे इधर वाली की, तो वो कितना हो जाएगा? 68:07। अब मैंने यहाँ भी पूर्वी बोला, यहाँ भी पूर्वी बोला, ये है कन्फ्यूजन कि दोनों तरफ पूर्वी क्यों बोल रहे हो सर जी। बात को समझो, हमने कहा था कि अगर मेरा ये ग्लोब है, ठीक है, तो इस ग्लोब को हम चार भागों में बांट सकते हैं। अगर हम इस तरह से बांटते हैं और ऊपर की ये चीज़ों को ना बांटते, तो ऊपर वाला होता है उत्तरी और दूसरा वाला होता है दक्षिणी। अगर हम इसको इस शेप में बांटते हैं तो ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। बात क्लियर हो रही है? तो हमारा जो भारत है, मान लो ये 0 डिग्री है, और हमारा भारत स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है यहाँ कहीं 8 अंश से ऊपर, है ना? ऊपर देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 अंश से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा भारत कहीं यहाँ है, पहली बात। और दूसरा 68 पे है। कितना है? 68.7 है। तो 68 जब 0.7 पे आएगा, तो यहाँ पर जब इस साइड में जाओगे तो बताओ यहाँ 0 कहीं, मतलब कि देखो देशांतरों में। अब मैं आपको वो वाला फिगर बनाया था, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। डिस्टर, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, बात को समझो। यहाँ पे मैं, चलो यहाँ देशांतर रेखाओं को खींच दिया, खींचा, ठीक। और मैं यहां पर अक्षांश रेखाओं को खींचा, ठीक, खींचा। अब देखो, ये मान लो 180 अंश है। कितना? 180। यहां कहीं 0 आएगा, ये 0 है, ये भी 180 अंश, सपोज दैट मानना है। और यहां पे इस तरह से अगर देखोगे तो एक रेखा मैं खींच दे रहा हूं, ये 0 अंश वाला है, बाकी ये 23.5 है, ठीक है, ये 23.5 है और नीचे वाला 23.5 है। अब बाकी जो है अपना नीचे वो होगा। हमारी भारत जो स्थित है 23.5 पे स्थित है, है ना, यानी कि मकर रेखा पे स्थित है। लेकिन समझो कि जो है यहाँ पे 8 अंश पे है। यहाँ पे मान लो 0 है, तो जाओगे धीरे 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 जाओगे यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक जाओगे? यहाँ तक धीरे धीरे जाओगे तो 8 अंश यहीं कहीं आएगा ना, यहाँ कहीं आएगा यहाँ पे। और ऊपर अगर बढ़ते जाते हो तो 37 चाहिए, तो यहाँ कहीं 37 आएगा। तो भारत इसके बीच में आया कि नहीं आया? इन दोनों के बीच आया कि नहीं? मान लो ये 37 है और ये 8 है, तो भारत हमारा इसके बीच आ गया कि नहीं? ये फरिया गया देशांतर, अक्षांश रेखा फरिया गया। अब मैटर फरियाना है यहाँ पे 68 वाला और ये वाला फरियाना है। तो बात को समझो, 0 है, अब 180 अंश जाना है। तो सोचो 180 घटाओगे, धीरे 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 घटाओगे, तो मान लो ये 100 हो गया, घटाते आ रहे 100 हो गया। अब फिर जो है 97 लाना है बाबू, तो 97 यही कहीं ना होगा, तो इस वाली ये वाली लाइन ये हो गई, ये वाली लाइन हो गई 97। समझ में आ गया? और इसको ला के खींच के लाया 68 तक, तो धीरे धीरे 97 ही हो गया 97। और धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं 68 आ जाएगा, 68, ये वाला 68 हो गया। और देखो ये था और ये था, तो हमारा भारत यहाँ कहीं निकल के आया कि नहीं आया? यहाँ कहीं निकल के आया कि नहीं? तो हमारा भारत यहाँ कहीं बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? इसमें बनेगा, तो उसी तरह इसमें आ गया भारत, देखो वही चीज़ यहाँ बन गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, जब ये 0 अंश है, 0 अंश इसका यहाँ है, ठीक है, और ये 0 अंश है, हमारा भारत स्थित कहाँ है? ये देखो, ये कट ऑफ बन रहा है यहाँ पे और ये कट ऑफ बन रहा है। बात को समझना, हमारा भारत यहाँ बीच में है। जैसे कि देखो, अगर इस 0 को ऐसे खींचो और ऐसे खींचो, तो मेरा भारत यहाँ आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये उत्तर में है, देखो उत्तरी गोलार्ध में है, और इसके हिसाब से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है। इसके हिसाब से देखेंगे पूर्वी, इसके हिसाब से देखेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो भारत पूछता है पूरे ग्लोब में कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित है, उत्तर पूर्वी में स्थित है, में स्थित है। तो भारत हमारा कहाँ स्थित है? तो भारत जो हमारा स्थित है
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात समझ में आया कि नहीं? भारत की स्थिति समझ में आ गई, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गया? सिर्फ उत्तर में नहीं, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाया। बात यहाँ तक की क्लियर हो गई कि नहीं? आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। थोड़ा सा अब इसको हम इरेज करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है? तो भारत की आपको स्थिति पता चली कि जो भारत स्थित है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। दूसरा फैक्ट कहता है कि भारत समचतुष्कोणीय है। कैसा है? समचतुष्कोणीय है। इस बात को समझो कि ये समचतुष्कोणीय कैसे है। बात को समझो यहाँ पे। अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार निकालेंगे तो क्या होगा, पहले इसको समझो, ठीक है? तो भारत की अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात को समझो। तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो मुख्य भूमि का ये 8 से लगा करके 37 तक का है। कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो क्या करेंगे, 37 में से 8 को घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं? तो 37.6 माइनस 8.4, तो 6 मिनट में से 4 मिनट जाएगा 2 मिनट, और 37 में से 8 जाएगा तो 29। कितना आ जाएगा? 29.6 आपका आ जाएगा अक्षांशीय विस्तार। तो पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29.6, लगभग 30 अंश। बात समझ में आ गई? अब देशांतरीय विस्तार निकाल दो। देशांतरीय विस्तार देखो इसका क्या होता है। देशांतरीय विस्तार निकालने के लिए 97 में से जो है 68 घटा दो, तो 97.25 माइनस 68.07 घटा दो, 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 18 मिनट, और 97 में से 68, तो 17 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9, और यहाँ पे एक हासिल मांगा था, बचा कितना? 8 में से 2.6 जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 हो जाएगा। तो ये आपका 29.18 हो जाएगा इसका तो ये 29.18 इसका हो गया देशांतरीय विस्तार, मतलब कि ये वाला विस्तार और ये वाला विस्तार ये है। बात समझ में आ गया? ये अक्षांशीय विस्तार, ये देशांतरीय विस्तार। ये भी लगभग कितना है? लगभग ये भी 30 के पास है, 30 के पास ये भी, या लगभग 30 के पास ये भी है। सोचो कि अगर कोई चीज़ कहा जाए कि 30 अंश तक फैलाओ, चलो 30 अंश तक मैंने फैला दिया, ऊपर फैलाया तो नीचे भी फैला दिया, और कह रहा इसको इधर से भी 30 अंश फैला दो, 30 अंश इसको भी फैला दिया, मतलब कि 0 से 30 अंश तक यहाँ जाएगा, और 0 से ये मान लो 0 है तो 0 से 30 अंश तक यहाँ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक समचतुष्कोणीय बन रहा है कि नहीं? समचतुष्कोणीय बन रहा है कि नहीं, मतलब कि चतुर्भुज टाइप में बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जो भारत है वो किस आकृति में है? वो समचतुष्कोणीय है। कैसा है? समचतुष्कोणीय है। पूछेगा कि भारत की आकृति कैसी है बाबू, तो समचतुष्कोणीय है इसके बेस पर। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरी बात समझ में, यहाँ पे देखो इसके बाद समझो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है? इसके बाद समझो कि जिस पॉइंट पे ये सब मिला है, इन सब पॉइंट्स का कुछ तो नाम होगा। बिल्कुल नाम होगा। जैसे यहाँ पे देखो, पॉइंट्स को समझो थोड़ा सा, फिर इसको मैं समझाता हूँ बाद में, पहले आप पूरे पॉइंट्स को समझो। देखो ये 97.25 पे है, तो ये किस क्षेत्र को छू रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश के किविथू नामक, कहाँ से? ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट है, और यहाँ पर एक स्थान है किविथू। ये किविथू नामक स्थान पर जो है टच करता है। समझ में आ गया? और ये ऊपर वाली जो पॉइंट्स होती है, इस पॉइंट्स का नाम है इंदिरा काल। क्या नाम है? इंदिरा काल। ये इंदिरा काल है जो कि लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर अलग हो गया, ये लद्दाख आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक।
अब बात करते हैं इसका, इस पॉइंट, इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे इसको कहा जाता है केप कोमरीन, क्या कहा जाता है, केप कोमरीन, केप कोमरीन कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है कन्याकुमारी है, समझ में, कन्याकुमारी में एक को केप कोमरीन, मतलब कि ये कन्याकुमारी का स्थान है, वहाँ पे केप कोमरीन नाम का इसको जानते हैं, केप कोमरीन पॉइंट भी कहते हैं, और कुमारी अंतरीप नाम से भी इसको जाना जाता है, किस नाम से, कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका इंदिरा काल हो गया, ये हो गया केप कोमरीन या कुमारी अंतरीप, ये कन्याकुमारी में है, किविथु जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये भी तो, इसका भी तो नाम होगा, तो ये जो है गुजरात के गौर मोथा, गौर मोता नामक स्थान पर जो है ये पॉइंट्स मिलती है, समझ में आ गया सबको। और इस पॉइंट को सरक्रीक पॉइंट भी कहते हैं, कौन सा पॉइंट कहते हैं, सरक्रीक पॉइंट भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ रही होगी कि इन सभी के नाम्स क्या, जैसे इंदिरा काल हो गया, किबूथू हो गया, कुमारी अंतरीप, केप कोमरीन कुछ भी कह दो, गौर मोता हो गया, यहाँ पर जो है सरक्रीक पॉइंट्स भी हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये इन सब पॉइंट्स के नाम है, लेकिन पूछता है कि सबसे अंतिम मुख्य, सबसे अंतिम पॉइंट्स क्या है, तो सबसे अंतिम पॉइंट्स इसको अब इंदिरा पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट ये है, ठीक है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये इंदिरा पॉइंट डूब गया है आज के वक्त में, समझ में आ गया। और इसके अंतिम पॉइंट्स की जो अक्षांशीय रेखा है वो है 6:45 पर ये है, और इसी पॉइंट से, यानी कि 6:45 से 6:45 जो ये हमारा रेखा है, अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा से भूमध्य रेखा की दूरी, भूमध्य रेखा की जो दूरी है बाबू वो है 876 किलोमीटर, कितना है, 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा की दूरी है। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो दोस्तों, मेहनत आप जितना करोगे, जितनी खामोशी से करोगे, सफलता आपकी उतनी ही शोर मचाएगी। मेहनत में जरा सा भी कमी मत करो, खुल के मेहनत करो, दम झोंक के मेहनत करो, आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। देखो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता और कोई चीज़ आसान भी नहीं होता है, अगर जो करोगे, अगर आप मेहनत सही वे से कर रहे हो तो आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लोगे जो आप चाहते हो, लेकिन अगर मेहनत आप अच्छे से नहीं करोगे तो उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो मेन जो चीज़ है सफलता का वो है बहु मेहनत, आपकी मेहनत, आपका कंसंट्रेशन, आपका सब कुछ, समझ में आ गया। अगर आपका मेहनत होगा तो सफलता भी आपकी होगी, मेहनत आप नहीं करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप घबराओ नहीं, पढ़ाई करो, मन से मेहनत करो, जरूर आपको सफलता मिलती है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।